30 मार्च की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास महत्व रखती है। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफटाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश के सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले सत्यजीत रे को 1992 में कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1984 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। कुल 37 फिल्में बनाने वाले सत्यजीत रे की यादगार फिल्मों में पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार, चारुलता आदि का नाम लिया जाता है। इस बात में दो राय नहीं कि ऑस्कर एक ऐसा अवार्ड है जिसे जीतना फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा सिनेमा की विविध विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले ऑस्कर अवार्ड की स्थापना सन 1929 में की गई। 1957 में फिल्म मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर की विदेशी भाषा की फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया था। सत्यजीत रे की शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा 32 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, और जिस ऑस्कर को पाना हर एक एक्टर डायरेक्टर का सपना होता है वो सत्यजीत के पास खुद चलकर आया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई दिग्गज हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर भी हुए। सत्यजीत रे न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक के सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। सत्यजीत रे का फिल्मों को लेकर जुनून इस कदर था कि उनकी बताई चीजों को हॉलीवुड डायरेक्टर भी फॉलो करते थे। सत्यजीत रे को आज दुनिया को अलविदा कहे 28 बरस हो गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनका निर्देशन आज भी याद किया जाता है। दरअसल 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर का ऑनरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उस दौरान वो बहुत बीमार थे। ऐसे में ऑस्कर के पदाधिकारियों ने फैसला किया था कि ये अवार्ड उनके पास पहुंचाया जाएगा। ऑस्कर के पदाधिकारियों की टीम कोलकाता में सत्यजीत रे के घर पहुंची थी और उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके करीब एक महीने के भीतर ही 23 अप्रैल 1992 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया था।